तो अभी हमें महेश्वर की मेन घाट पर, यहाँ पर पीछे जो है वो अहिल्या बाई का वाड़ा है। एक्चुअल में यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स भी है और ये एक ज़माने में किसी के लिए रहने का घर हुआ करता था। और यहीं पे इसके पीछे है मेन घाट जो नर्मदा नदी के ऊपर बसा हुआ है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं अराउंड 6:30-7:30, तो अभी तक इतनी क्राउड नहीं है, अभी भी यहाँ पर बहुत शांति हो रही है। सबसे मेन तो यहाँ पर क्लाइमेट बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है। तो भाई मैंने वैसे फोर्ट्स, जो इस तरीके के वाड़े होते हैं, राजवाड़े होते हैं, ये बहुत सारे देखे हैं मेरे टाइम में, मैं जहाँ पर भी घूमा हूँ, लेकिन दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वेल प्रिजर्व्ड है। मतलब यहाँ पे आई डोंट नो 20-25 साल पहले शायद से यहाँ पर रिनोवेशन हुआ था या नहीं हुआ था, या पहले से इस तरीके से इसका मेंटेनेंस होता है, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स है, रूम्स है, सीढ़ियाँ है, एकदम वेल प्रिजर्व्ड है। मतलब ऐसे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कोई फैमिली रहती वगैरह होगी। और मुझे कुछ लोगों ने बताया फैमिली इसी सिटी में रहती है लेकिन अभी इस वाड़े के अंदर नहीं रहती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड। बाय द वे जो एक वाड़ा है, इसका एक भाग एक रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका नाम है नर्मदा रिट्रीट। और ये शायद से वो जो नर्मदा रिट्रीट रिसोर्ट है, इसके अंदर का एक स्वीट होगा या कोई होटल रूम होगा। यहाँ पे मतलब वेल सेट लग रहा है सब कुछ, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। वैसे मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि कितने प्राइजेस है उस होटल के लिए, तो जो मिनिमम प्राइस मुझे मिली थी वो थी 22,000 रुपीज़ पर नाइट। तो भाई काफ़ी महंगा है, लाइक फर्स्ट लग्जूरियस, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको एक हिस्टोरिक प्लेस में रहने के लिए मिलता है और ये वाला व्यू आपको मिलता है। डिटेल्स देखो यहाँ पर जो काम हुआ है पहले इस हवेली के अंदर, उसके डिटेल्स आप देखो, ये देखो, मुझे प्लीज़ कोई बता देना इसमें रिनोवेशन पास्ट में हुआ है या फिर इसी तरीके का है। यहाँ पे देखो एक पूरा पत्थर का है और कितने बारीक डिटेल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये काइंड ऑफ बालकनी के जैसा, या शायद एक ज़माने में रानियाँ, राजे विजिट यहाँ से व्यू लेते होंगे, मस्त बाहर चाय वगैरह पीते होंगे। यहाँ से हम लोग अंदर आए, ये एक और बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, मिक्स आर्किटेक्चर, यहाँ पर ऊपर डोम भी है लेकिन जो पत्थर का काम इंडियन आर्किटेक्चर में होता है वो भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ऊपर एक और मंदिर है। तो अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम मेन जो राजवाड़ा है उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। नीचे में कहा है कि वहाँ पर राजगद्दी, एक सोने का झूला, ये जैसी चीज़ें देखने के लिए है, तो वो भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। पहले के लोग इसलिए फिट हुआ करते थे यहाँ पे आने के लिए ही, अराउंड 70-80 पत्थर की जो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती है वो हमने चढ़ ली। तो भाई ये है महारानी अहिल्या बाई होलकर, बहुत 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 रजिस्ट्री इनकी। अपने शायद से स्कूल वगैरह में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक सिंपल गूगल सर्च आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि ये कितने ग्रेट थे अपने एम्पायर के लिए। तो यहाँ पर अभी इनका स्कल्पचर खड़ा किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी, और यहीं पर इनके नाम पर बना हुआ ये राजवाड़ा।
भाई कार बहुत 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 ज़्यादा गंदी हो गई है कहीं, अभी इसे प्रॉपर वॉश कराना ही पड़ेगा क्योंकि गंदी की कार चलाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। प्लस कल जो हम ख़राब रास्ते पे गए थे वहाँ पे एक पेड़ गिर गया था, उस टाइम पे गाड़ी हमने निकाली थी बहुत ख़राब रास्ते थे, तो यहाँ पे थोड़ी ठुक गई है और यहाँ पे भी थोड़े स्क्रैच आ गए हैं। ये वाले स्क्रैच तो फिर भी ठीक है, शायद से लाइक बफिंग वगैरह से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पूरा मेटल है वो बेंड हो गया है, तो अभी हो गया नुकसान थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं, अभी ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है। बाकी गंदी तो गाड़ी बहुत 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 ज़्यादा हो गई है, क्लीन करेंगे अभी, जहाँ पे भी कार वॉश होगा वहाँ पे साफ़ करा लेंगे गाड़ी। तो अभी मेन मंदिर के दर्शन हो गए पूरे और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सेकंड मंदिर में, यहाँ पर उज्जैन में हमारे सारे काम होने के बाद में हम निकल पड़े जबलपुर की तरफ। और कुछ अपडेट्स में देना चाहता हूँ व्लॉग्स रिलेटेड, तो ये जो पूरी सीरीज में बना रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा की, इसे इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जबकि इसके बाद में फ्यूचर में अगर कोई मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो वो एक सेपरेट चैनल पे मैं बनाऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने सोची है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली इंफ्रा रिलेटेड व्लॉग्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं सेकेंड चैनल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अगर मुझे कभी फील होता है कि कुछ और चीज़ आपके साथ में शेयर करनी है तो वो उस वाले चैनल पर मैं अपलोड करूंगा आने वाले हफ्ते भर में या मैक्सिमम दो हफ्तों में। जो नया चैनल होगा वो मैं व्लॉग के साथ में और बाकी वीडियोस के अंदर भी आपको बता दूंगा, तो जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं आगे भी देखना चाहते हैं वो प्लीज सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना जब भी मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।